वीडियो में मैं साउंड टेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वही मैं पुराने एनसीएस के थके हुए सॉन्ग चलाऊंगा, कुछ ट्रेलर्स चलाऊंगा, और वही मेरे बाद में जब कैप्चर होगा तो एकदम डिस्टोर्शन भरी आवाज होगी, और आप पता नहीं किस टाइप के मतलब सिस्टम पे सुन रहे हो, फोन के स्पीकर पे सुन रहे हो, टीवी के स्पीकर पे सुन रहे हो, किसी ब्लूटूथ वगैरह पे, तो उसके भी मुझे आइडिया नहीं कैसी साउंड होगी। तो मतलब ये एकदम पता नहीं हम साउंड टेस्ट क्यों करवाते हैं वीडियो में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला कभी भी, क्योंकि अगर मेरे पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माइक भी है और आपके पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑडियो सिस्टम भी है जिस पर आप वो सुन रहे हो, फिर भी जो ओरिजिनल जो सामने आके जो हम खुद सुनते हैं ना, वो आवाज कभी भी ये चीजें डिलीवर कभी नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए वही मतलब ट्रेलर वगैरह में चला चला के बोर हो गया था, वही साउंड वगैरह, वही जब बेस आएगी तो आवाज फटेगी, तो इसलिए दोस्तों मैं साउंड टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो प्रोसेस शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी। तो सबसे अच्छी बात जो इसके देखते ही लगती है भाई, इसका लुक्स एंड डिजाइन, साउंड बार बहुत बड़ी, जो मेरा स्क्रीन है ना इनके भी दो दो इंच ऐसे करके साइड से निकली हुई है, तो काफी अच्छी लगती है साउंड बार, और एकदम प्रीमियम उसके ऊपर एक टेक्सचर सा है एकदम, आपको मैंने दिखाया होगा, और सामने की तरफ ग्रिल है, मतलब देखने में एकदम अच्छी लगती है, और जो स्क्रीन है मतलब इसके ऊपर LED स्क्रीन, वो थोड़ा साइड पर है, एक बार देखने में अजीब लगता है लेकिन आदत पड़ जाती है, और के साइड पर कंट्रोल वगैरह मतलब एकदम बढ़िया ब्लैक ब्यूटी सी है, और सब वूफर मेरा आज तक का यूज किया हुआ सबसे छोटा सा वूफर है। दोस्तों देखो बड़ी कंपनी की यही अच्छी बात होती है कि ये छोटे से छोटे मतलब R&D बहुत करती है अपने प्रोडक्ट पर, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी चेप दिया, ठीक है, तो इन्होंने छोटे से छोटे में ज्यादा से ज्यादा आवाज देने की कोशिश करी है। ये इतना छोटा सा सिस्टम है, साउंड बार और सब वूफर और 420 RMS, भाई बहुत ज्यादा होती है 420 RMS, ठीक है दोस्तों, 40% पर ही बहुत लाउड हो जाता है, बहुत लाउड मतलब कान फटने को आ जाते हैं बताओ। और मैंने एक बार अपनी पूरी मतलब कोशिश करके इसे हाफ वॉल्यूम पर किया तो एकदम बहुत तेज, मतलब 2-3 मिनट में मेरा जी किया कि बस मैं इसे कम कर दूं, और जितनी मर्जी तेज मैंने करके देख लिया, जितनी मेरी हिम्मत थी झेलने की, आवाज में कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ भाई, इसके लिए एक थम्स अप तो बनता है LG के लिए। चलो बात करते हैं हम बेस की, जो कि सभी सुनना चाहते हैं बेस क्या है। इसका बेस मतलब छोटा सिस्टम होने के बाद भी छोटा चेंज का सब ऊपर बेस बहुत टाइट है, एक अलग लेवल की बेस है इसकी, ठीक है दोस्तों, पता नहीं कैसे इन्होंने किया है लेकिन थोड़ी टाइट बेस है एकदम, जैसे सील्ड सब ऊपर से आती है, अगर आपने सुना है तो पोर्टेड, हम जो ज्यादातर सुनते हैं वो पोर्टेड सब ऊपर है, ठीक है, सील्ड की एक अलग लेवल की एक प्यारी सी बेस आती है, ठीक है, और एकदम ठोकने वाली किक वाली, ठीक है, और इसमें वो वाली बेस है, और ये कुछ अलग एक्सपीरियंस है लेकिन काफी अच्छा है, और धीरे धीरे आपको पता है जब ये सिस्टम खोलेगा इसका बर्न इन पीरियड कंप्लीट होगा तो बेस में इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी ऐसा बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो बेस के लिए तो भैया मजेदार है। और इसके प्लस पॉइंट में एक है DTS X, ठीक है, इसमें क्या है मतलब जैसे कि बाकियों में होता है छोटे मोटे सिस्टम में 3D मोड, जिससे कि मतलब 2 चैनल हमें आवाज यहां से आ रही है तो 3D मोड करते थोड़ा एरिया बढ़ जाता है, इसमें है DTS X। इसके लिए मैं वैसे ही सच में बहुत एक्साइटेड था कि ये फीचर कैसे काम करेगा, और मैंने जब डॉल्बी का ट्रेलर MAS वाला प्ले किया तो सच्ची में बहुत मजा है, इस वजह से आवाज यहाँ यहाँ से आ रही है, एकदम वो पीछे सराउंड वाली बात नहीं करेगा लेकिन लगभग 180 जितना तो बढ़ा ही रहता है दायरे को, जबकि साउंड बार हमारी इतनी है और हमें इतने एरिया में आवाज आ रही है, तो वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है। तो DTS फीचर और जो DTS मोड है जो कि हम रिमोट से चेंज करते हैं वो मेरा बेस्ट मोड है। इसमें एक और मोड है ASC यानी ऑटोमेटिक साउंड कंट्रोल, ये देखता है कि भैया कंटेंट कैसा प्ले हो रहा है, ठीक है, न्यूज है, म्यूजिक है, मूवीज है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप एडजस्ट करता है। पहले मैंने ऐसे सोचा कि आप ऐसे काम चलाओ भी हो, ठीक है, मैंने इसे थोड़ा जो टेस्ट किया यू नो, इसने मतलब एकदम बढ़िया काम किया, इसने जब देखा कि भाई बातचीत हो रही है भाई वीडियो में तो स्पीच एनहेंस कर, और जब देखा कि भाई म्यूजिक चल रहा है तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसे हम बात करें इसके प्रोस की, तो इसमें एक ये भी एक अच्छी बात है कि इसमें हाई रेजोल्यूशन फाइल्स प्ले होती हैं। हाई रेजोल्यूशन मतलब जैसे WAV फॉर्मेट, OGG फॉर्मेट, FLAC, ऐसे कुछ AAC4, AAC फॉर्मेट ये प्ले होते हैं, और ये हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है, जैसे कि 24 बिट 96 KHz। लेकिन बात यह है कि जो भी हम इंडियन ज़्यादातर सॉन्ग्स वगैरह हम सुनते हैं या कहीं से भी डाउनलोड वगैरह करते हैं तो वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसका हमें कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं, लेकिन अच्छी बात है ये फीचर दिया हुआ इन्होंने। और दोस्तों इसमें एक और सबसे अच्छी बात, इसे वैसे 3.1 साउंड बार कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे हम 3.1 साउंड बार कहते हैं, लेकिन ये सपोर्ट करती है एक अलग से पैकेज आता है स्पीकर का, जिसमें 2 वायरलेस स्पीकर होंगे
उसको ये अपने आप उसके साथ सिंक हो जाएगी अगर हम उसे परचेज करते हैं तो। उससे क्या होगा, ये जो 3.1 हमारा सिस्टम, ये पूरा एक्यूरेट 5.1 बन जाएगा। 5.1 यानी कि पूरा इमर्सिव साउंड एकदम असली वाला आएगा, मतलब और कुछ लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमें बाद में। तो ये अपग्रेड हो जाता है ये सिस्टम, ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे कि 2-3 साल ऐसे सुन लिया, चलो अच्छी आवाज़ें मजे आ रहे, लेकिन कुछ अलग से कुछ करना चाहें तो हम 2 स्पीकर्स ले सकते हैं और इसे अपग्रेड कर सकते हैं, ये अपग्रेडेबल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम इसके माइनस पॉइंट की, और देखते हैं मतलब इसमें क्या क्या हमें नुकसान मिलता है, मतलब जो चीज़ें हमें पसंद नहीं आई हैं मुझे वो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। तो कौन सा चालू करते हैं, और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है जो कि हमेशा खलता रहेगा वो है इसमें, ऑक्स पोर्ट नहीं है। ऑक्स पोर्ट यानी कि 3.5 mm इनपुट का कोई भी इसमें पोर्ट नहीं लगा हुआ, और ना ही RCA है, क्योंकि दोनों में से कोई भी होता तो काम चल जाता। और ये तो एकदम बेसिक है यार, ये तो हर कोई दे देता है, सस्ते से सस्ते सिस्टम में भी है, और ये हमें चाहिए चाहिए, ये हमारी नीड है। जैसे कि अब कोका कोला पेप्सी पी के अब कोई अपनी ज़िंदगी तो निकाल नहीं सकता, चाहे जितनी मर्जी मिल जाए, हमें चाहिए तो पानी ही। तो ऐसे करके ये सस्ती चीज़ हमें चाहिए थी भाई, और ये इन्होंने दी नहीं, तो ये कमी मुझे हमेशा खलती रहेगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको प्लस पॉइंट में बताया था कि हाई रेजोल्यूशन फाइल्स प्ले करता है, ठीक है, तो शायद इसी का एक ड्रॉबैक है कि जो हम जो भी नॉर्मल सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, MP3 वगैरह जो मैं अपने हर सिस्टम में सुनता हूँ, बहुत अच्छे बजते हैं, लेकिन इसमें एक हल्की सी खटखट डिस्टॉर्शन आती है, और वो इसीलिए क्योंकि मेरे ख्याल से डिकॉर्ड रेस का ढंग से काम नहीं कर रहा, या कुछ ऐसे मतलब डिकोडिंग में ही इसे प्रॉब्लम आ रही है उस फॉर्मेट को। किसी किसी MP3 को ये अच्छा चला देता, और लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है खराब चलाता है, तो मतलब हम सुनेंगे ही नहीं, इतनी मतलब एक खराब सी आवाज़ बीच में से आती रहती है। और मैंने कुछ स्टैंडर्ड चैनल्स प्ले किए थे टीवी के, तो उसमें भी वही सेम आवाज़ आ रही थी, जो डिकोडर है ना इसी में पंगे, क्योंकि अगर इसे जो इसके कंपेटेबल फॉर्मेट मिल जाता तो जितनी मर्जी तेज़ आवाज़ कर लो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, और किसी किसी फॉर्मेट में यार ये पंगे करता ही रहता है। तो ये एक और माइनस पॉइंट है इसका, और एक और इसका माइनस पॉइंट जो कि जिसे कि अपना प्लस पॉइंट कहते हैं, वो है वायरलेस सबवूफर। मुझे वायरलेस सबवूफर कभी अच्छे नहीं लगे। इसमें क्या आजकल हमारी जो रूम है इसमें कितनी सारी वायरलेस इंटरफेरेंस चलती रहती है, जैसे मेरे घर में 10-12 वाईफाई के सिग्नल आते हैं, कुछ आसपास मतलब जैसे माइक्रोवेव ओवन वगैरह हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब सिग्नल ही सिग्नल है हर जगह, तो ये डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक हमारी जो लाइटें होती हैं ये भी इस साउंड को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, तो जो बेस होगी ना वो फटी सी हमें लगेगी, लेकिन वो डिस्टॉर्शन हो रही होगी। और इसका एक और प्लस पॉइंट ही इसका माइनस पॉइंट ही जो कि इसकी ऐप, कहते हैं LG की ऐप मतलब इससे मतलब सारे रिमोट के फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं इस ऐप से अपने स्मार्टफोन के थ्रू, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो कि रिमोट में नहीं है। और इन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऐप सिर्फ ब्लूटूथ मोड पे काम करेगी, यानी कि जब आप अपना म्यूजिक ब्लूटूथ पर इसे चला रहे हैं मतलब इस सिस्टम पे, सिर्फ तभी ऐप काम करेगी। और अगर ज़्यादातर हमें क्या होता है HDMI या किसी भी ऑप्टिकल वगैरह से TV से कनेक्ट करना होता है, और तब ये क्या फीचर कभी काम ही नहीं आएगा, तो हमें फिर वही रिमोट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो एकदम बकवास सी वाली ही बात है, बकवास फीचर है एकदम, मुझे एकदम पसंद नहीं आया। तो ये थे कुछ माइनस पॉइंट, तो मेरे ख्याल से अब सारे प्लस और माइनस पॉइंट हो चुके हैं, और वीडियो भी बहुत लंबी बन गई, ये तो पार्ट 2 है, एक वीडियो में तो बनता भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको देता हूँ अपना वर्डिक्ट, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेनी चाहिए, लेकिन ये कुछ क्या, ये प्रीमियम सेगमेंट की चीज़ है ना, तो कुछ हमें अपने मतलब जो हमारा दायरा था उससे ऊपर जाके चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि HDMI आर्क का यूज़, ठीक है, अब दूसरा तो उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं, मजबूरी है वही करेंगे, ठीक है, लेकिन जो भी है HDMI आर्क से बहुत अच्छी आवाज़ आती है, ठीक है, बस कंपेटिबल होनी चाहिए चीज़ें, आवाज़ बहुत अच्छी आती है कि एकदम सुन के दिल खुश हो जाता है। और डॉल्बी अमेज़ वाला साउंड ट्रैक तो मैंने आपको बताया, जब यूट्यूब पे चलाया मैं एकदम मज़े आ गए, इमर्सिव एक्सपीरियंस था एकदम बढ़िया। और हाँ बाद में फ्यूचर में 2 स्पीकर्स और लगा के पीछे वो कनेक्ट हो जाएंगे वायरलेसली, वो भी एक अच्छी बात है। चलो और कुल मिला के 15,000 में ये अच्छी चीज़ है, काफ़ी 10-15 साल चल जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा रिव्यू इस LG SL6Y वायरलेस सबवूफर विद साउंड बार के बारे में। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ बता दिया करो यार, बता दिया करो जैसी भी लगी, ठीक है, पसीने आ रहे क्योंकि फ़ैन बंद है। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं, नमस्ते।